बहुत अच्छा है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा और थोड़ा सा बताइए वीडियो के बारे में। वीडियो के बारे में असलम भाई से अच्छा कोई नहीं जानता है। इतना अच्छा, मतलब असलम भाई मतलब मेरे को बोल रहे थे ऐसा करो वैसा करो, तो मैं वो वही सब करते क्या करते गया और इतना अच्छा शूट हो गया कि मेरे को यकीन नहीं रहा कि ऐसी वीडियो बनी है मेरी। फर्स्ट टाइम मैंने टिकटॉकर्स के साथ काम किया, इनफैक्ट मैं बहुत सुनता था टिकटॉकर्स के बारे में और कभी मुलाकात नहीं हुई थी। बहुत लोग टिकटॉकर्स के साथ वीडियो बना रहे थे तो ऐसा अरमान तो था अंदर से कि एक दिन मैं भी देखूं बना के कि क्या होता है बेसिकली, ये टिकटॉकर्स कौन है, कहाँ रहते हैं, ये कहाँ हैं ये लोग। और एक दिन विनीत का फ़ोन आया जो वॉयला डीजी के प्रोड्यूसर हैं, और उन्होंने बोला यार मैंने दो बहुत कमाल के टिकटॉकर्स को साइन किया है, उनके साथ एक वीडियो प्लान करते हैं। तो मैंने बोला बस इसी की तलाश में था मैं ढूंढ रहा था ये कहाँ पर है ये लोग, और तुम इन्हें लेकर आ गए हो। तो फैज से फिर मुलाकात हुई सेट के ऊपर और बहुत अच्छा लगा। और पहली बार मिले और मतलब ये लोग प्रोफेशनल एक्टर्स हैं यार, ये मतलब 30 सेकंड का टिकटॉक जो बनाते हैं उसके अलावा ये लोग तो 3 मिनट में मतलब अच्छे एक्टर्स की मतलब खटिया खड़ी कर दे, वैसा सीन था। शिफू ने भी बहुत अच्छा काम किया और दोनों मतलब बहुत ही सुबह से लेकर रात तक बेचारे खड़े रहे और शाम को भी बोलने लगे शूट के बाद नहीं और शूट करते। मैंने बोला लाइट्स नहीं है, बोलने लगे तो भी क्या हुआ, बोले हम मोबाइल की लाइट से शूट करेंगे। आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस तो ये मेरा पहला एल्बम शूट है तो मतलब बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा। लोग ऐसा लगा ही नहीं सच्ची में क्या मतलब इतना अच्छा शूट हुआ, शूट बहुत क्लासी हुआ, मस्के की तरह मस्का एकदम। जैसे टिकटॉक बनाते वैसे ही हम लोग ने काम किए, वैसा ही हुआ सब। आज यहाँ पे कौन कौन आने वाले हैं आपको सपोर्ट करने के लिए? और पूरी टीम आएगी ना, सब लोग आने वाले, बस पैसु असनान अदनान सद्दू सब आ रहे हैं। असलम भाई, असलम भाई जो काम कर लिया दीवाना हो जाएगा उनका। थोड़ा सा बताइए कि क्या कुछ आपको सिखाते थे स्पेशली? सिखाते थे यही तो सब बोलते थे, वैसा वैसा करता था मैं, ये सिर्फ डायरेक्ट करते थे, ऐसा बोलते थे ऐसा करो, अभी स्माइल दो, अभी थोड़ी स्माइल दो, अभी ऐसा करो वैसा करो, तो वैसे वैसे करते गया मैं और इतना अच्छा शूट हो गया। शूटिंग के दौरान बेस्ट मेमोरी जब अपन इडली खा रहे थे। क्या था वो? कालू इडली खा रहा था, 25 इडली खा गया। वो बेस्ट मोमेंट था गाने। डिफरेंस बहुत है 30 सेकंड की वीडियो में और 4 मिनट की वीडियो में, जमीन आसमान का फर्क है। बेसिकली उसके अंदर परफॉर्मेंस ज़्यादा रहता है ना, कि बेसिकली एक टिकटॉक जब आप बना रहे हैं तो टिकटॉक के अंदर जो है 30 सेकंड का रहता है और प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि अगर बराबर नहीं भी बना है तो वो मेरे को लगता है फिर से दोबारा तीन बार चार मतलब बनाते रहेगा जब तक मैं कर। जब आप वीडियो शूट कर रहे हैं टाइम की कॉन्स्टेंट होती है, पूरा यूनिट है, कैमरा आपके बहुत बड़े वाले होते हैं, एक्सपेंसिज एसोसिएटेड, तो वो प्रेशर डेफिनेटली रहता है एक एक्टर के ऊपर। बट हैट्स ऑफ टू फैज एंड शिफू, दोनों ने बहुत कमाल जो मतलब एक दिन में हमने पूरा गाना उड़ा दिया है। एक दिन में और कोई रेफरेंस नहीं होता, ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल। हाँ दोनों की केमिस्ट्री वैसे ही सोशल मीडिया में बहुत हाई है, तो वही बताएगा, मैं तो नहीं बोल सकता। अभी तक क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले आप दोनों की जोड़ी को लेके? मैं सब कमेंट ही पढ़ रहा था, बहुत अच्छे अच्छे मिले कमेंट में। कोई अगर एक कमेंट आप अगर मेंशन करना चाहें? नहीं, कमेंट तो बस सब सेम ही कमेंट आ रहे हैं, मतलब ज़्यादातर बोले अब शादी कर लो, नहीं अब निकाह पढ़ लो, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, माशाल्लाह ऐसी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ये बहुत कमेंट आया। इसके बाद कोई प्रोजेक्ट है आपके असलम के साथ या फिर? असलम भाई के साथ और एक है, एक गाना आ रहा है गीमा के साथ, गीमा गीमा ऐसी पता रहेगा, गरिमा नहीं गीमा से जानते हो उसको सब। तू मिल गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस कंग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया गाना बन गया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, सब तरह से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, एवरीबडी यू नो अप्रिशिएटिंग दिस सब लोग।
गाना है ये और कितना एंजॉय किया आपने इस गाने? गाना ये मैंने ऑलमोस्ट 2-2.5 साल पहले लिखा था, 2-2.5 years back I wrote this song and बहुत दिल के मेरे करीब है ये गाना. और तो मैं विनीत मेरे भाई जैसे हैं, तो इन्होंने मुझे कहा कि कुछ करते हैं साथ में, तो मैंने इनको बहुत सारे गाने भेजे. तो ये गाना इन्होंने कहीं पे सुना था गलती से, तो ही कॉल्ड मी कि आई रियली वांट टू डू दिस सॉन्ग. तो मैंने बोला कि ओके आई एम नॉट श्योर बिकॉज पूरा गाना बना नहीं था. तो फिर उसके बाद मैं गाने में वापस बैठा और यू नो वापस से पूरा वॉइस लिखा, कंपोज किया एंड देन वही काफ़ी टाइम लग गया एक्चुअली बनाते गाना. हाँ काफ़ी टाइम लग गया बनाते बनाते. और एक टाइम तो ऐसा गया था कि अंकल का फ़ोन आया कि अब मैं अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके निकाल दूँगा क्योंकि मैं बहुत टाइम ले रहा था एक्चुअली कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, बट फाइनली द सॉन्ग इज़ हियर. बट विनीत ने इनको बहुत फॉलोअप किया इसके लिए कि ये गाना करना है. रियली थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम, इन दोनों ने बहुत बहुत पुश किया मेरे को हर चीज़ के लिए और लाइक अ फैमिली. तो जब आपको पता चला कि फैज और शिफू इस गाने में होने वाले, तो क्या रिएक्शन था और क्या आपने इसके बाद मिले थे उनसे या फिर? नहीं मैं मिल नहीं पाया एक्चुअली, मैं ट्रैवल कर रहा था शोज़ की वजह से और मैं भी 2-3 दिन पहले ही वापस आया हूँ मुंबई. और आई वॉज वेरी एक्साइटेड ऑब्वियसली, मेरे को जब विनीत ने बताया उनके बारे में और कि कितने पॉपुलर हैं दोनों, मैंने जब इनको फॉलो किया देखा तो आई वॉज रियली एक्साइटेड कि एंड मेरे को पता था कि कुछ ना कुछ ऑब्वियसली कुछ बड़ा होगा, बड़ा अच्छा होने वाला है. एंड जब इन्होंने पोस्ट किया काम किया साथ में और हम जब पोस्ट देखे मैंने इनके, आई वॉज रियली एक्साइटेड कि सब लोग इतने पागल हो रहे हैं कि सब इतने एक्साइटेड हो रहे हैं कि कब गाना आएगा. और सो आई वॉज वेरी पॉजिटिव एक्चुअली. यस आवाज़ को लेकर यही कि सबको बहुत पसंद आ रही है, सब ये बोल रहे हैं कि बहुत सूदिंग आवाज़ है, बहुत अच्छा गाना लिखा है. सो आई एम रियली रियली हैप्पी दैट वी आर गेटिंग सो मच ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स. इसमें मुझे ऐड करना होगा, सबको पता है कि यूट्यूब पे कितने पॉपुलर है, इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर्स इन म्यूजिक. और अब देखो तो सबसे स्वीट आवाज़ अगर आप देखो एकदम वेलवेटी वॉइस बोलते हैं ये, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी बोला है दैट इज़ गॉट अ वेरी स्वीट एंड अ प्लेजेंट वॉइस. तो ये आप कमेंट्स में भी देखोगे और ये हर इंसान यही बोलता है कि सिद्धार्थ की आवाज़ बहुत अच्छी है और बहुत मीडिया आवाज़ है. तो आप थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक जी. या ऑब्वियसली आई मीन जब मैं कोई कवर बनाता हूँ तो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि हम लोग इतना इनपुट डालते हैं उसको, हम अपने तरीके से बनाना चाहते हैं गाने को. बट जब ओरिजिनल होते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारा खुद का है. तो आई लव यू नो राइटिंग एंड कंपोजिंग माई सेल्फ क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरे खुद की फील है, जो मैं सोच पा रहा हूँ गाने को लेकर, वो मैं एक्चुअली गाने के थ्रू मैं लोगों तक यू नो ला सकता हूँ. तो वो एक आई थिंक आर्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम आर्ट के थ्रू अपने इमोशंस को हम लोगों के सामने रख सकते हैं. I'm really sick actually. मैं अभी इनके कहने पे मैं आया था. मैं I'll sing 2 lines इसी गाने की. इश्क है तुमसे हमें ये तुम नहीं जानते, सारी ये दुनिया जानती है पर तुम नहीं जानते, के जी रहे हैं तेरे लिए के मर न जाए कहीं, के मर न जाए कहीं. थैंक यू. वी आर वर्किंग ऑन फ्यू मोर सॉन्ग्स सो वेरी सून. एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि सिद्धार्थ इज सो टैलेंटेड एज फार एज वॉइस इज कंसर्न, इज लिरिक्स, इज कंपोजिशन एंड ही इज़ टोटली इन टू द म्यूजिक. तो जो ये अपने दिल से बनाते हैं वो बहुत अच्छा बना. थैंक यू सो मच. थैंक एंड वो रिजल्ट हमको दिख रहा है एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमको इतना बढ़िया गाना मिला है एंड वी आर वेरी पॉजिटिव कि ये गाना लोगों को बहुत पसंद आएगा. सर इतना कॉन्फिडेंट थे कि उसकी वजह से ही मुझे लगा कि नहीं ये गाना करना चाहिए. ये गाना करेंगे फॉर श्योर. पता नहीं लोग तो आई मीन किसी के साथ भी कनेक्ट करते हैं बट आई थिंक आई डोंट नो व्हाट टू से बट या आई थिंक हर सिंगर वही चाहता है. सबका
एट द एंड हर एक आर्टिस्ट का एक ही मोटो है कि एट द एंड जो फील है वो आनी चाहिए, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो राइटिंग हो, कुछ भी हो, एक्टिंग क्यों ना हो, तो आई थिंक वो सबका सेम है, चाहे वो तो लोग इसलिए कनेक्ट कर पाते हैं एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट के साथ, क्योंकि वो जो डिलीवरी है वो काइंड ऑफ जो एक वो है वो सिमिलर है सब चीज़ें. जी थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा गाने के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं किस तरह का गाना है ये. रोमांटिक सा लव सॉन्ग है. हाँ बिल्कुल. अच्छा आपकी जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता है तो थोड़ा सा बताइए कि ऑन सेट कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ ब्रीफ मिला था असलम से. हाँ असलम भाई जैसा डायरेक्शन देते मतलब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो जैसे जैसे बोल रहे थे तो वैसी मतलब एक्टिंग निकल रही थी दोनों से भी और हम लोग को अच्छा लग रहा था कि वो बोल रहे थे और वो जैसे प्रॉपरली जैसे हम लोग कर सकते वो वैसे बोल रहे थे और हम लोग कर रहे थे तो फटाफट टेक्स फटाफट फटाफट हो रहे थे और मतलब अच्छा लग रहा था वो टाइम सेट पर. अच्छा आप दोनों का साथ में ये पहला म्यूजिक वीडियो है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और वो मतलब टिकटॉक में तो लोगों ने देखा है लेकिन 4 मिनट का वीडियो 15 सेकंड के लिए तो बहुत लोग मतलब बहुत टाइम देखे तो अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि 4 मिनट का वीडियो कितना और थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था. डिफरेंस तो बहुत है. बहुत डिफरेंस है. 15 सेकंड मतलब यूँ ख़त्म हो जाता है. 4 मिनट प्रॉपरली देखना पड़ता है कि कॉन्सेप्ट क्या है स्टोरी कैसे जा रही है. गाना होता है उसमें प्रोफेशनल सॉन्ग होता है दूसरे का नहीं होता है मतलब और सब नया होता है. तो आपको लगता है कि ये गाना भी मतलब एकदम वायरल होगा जैसे हमेशा आप. इंशाल्लाह वायरल होगा. और आप दोनों का केमिस्ट्री बहुत अच्छा लग रहा है गाने में. थैंक यू सो मच. कैसा एक्सपीरियंस रहा. मैं बहुत बोला हूँ. केमिस्ट्री तो सारे लोग जानते ही है तो बैक कैमरा भी जानते हैं और ऐसा मतलब लाइक अब ऑफ कैमरा जानते थे अब ऑन कैमरा जान रहे हैं कि कैसा है मतलब लाइक केमिस्ट्री तो अच्छी खासी है बस झगड़े नहीं दिखाए गए और झगड़े भी होते हैं. जैसे शिफा ने कहा झगड़े भी होते हैं क्या हर किसी के होते हैं. ऐसे नहीं कि मतलब एकदम परफेक्ट कपल हो या फिर कुछ भी हर किसी के होते हैं. असलम आपसे जानना चाहेंगे कितना इजी या डिफिकल्ट था इन दोनों को हैंडल करना और इसको 11 बजा दिया तुमने. 11 मैं जेल घंटे से खड़ा. बहुत बहुत क्यूट कपल हैं ये लोग सच्ची में बता रहा हूँ. मतलब इनकी जो नोक झोंक सेट पर होती है वो इतनी क्यूट है और अभी जैसे इनका बात करने का भी जो स्टाइल है इतना ऑनेस्ट है ये लोग. अगर अच्छा होगा तो अच्छा बोलेंगे बुरा होगा तो बुरा बोल देंगे. मतलब बिल्कुल ये लोग सोचते नहीं है इस बारे में कि समझ रहे ना कि मतलब हम कैमरे के सामने या नहीं है. तो ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है कि बहुत ही बोलते हैं ऑनेस्ट इनका कन्फेशन है. आप कुछ भी इनको पूछिए देखिए वो यहीं पर आपको सब सही से बता देंगे. तो इनके साथ इसलिए आया बिकॉज मैंने अभी तक जितना भी काम किया था वो मॉडल्स और प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ किया था. फर्स्ट टाइम मैंने टिकटॉकर्स के साथ काम किया. मुझे बड़ा मज़ा आया बिकॉज ये लोग बहुत एक्टिव थे सेट पर थे. ऐसा नहीं था कि भाई बुलाओ वेट कर रहे हैं बुलाओ कहाँ है जबकि ऐसा कोई एक्टर होता भी नहीं है. बहुत कम ऐसा एक्सपीरियंसेस होता है लेकिन क्योंकि एक्टिंग फील्ड में से नहीं है तो मेरे को ऐसा लगा था कि शायद ये लोग कहीं भाग जाएंगे टिकटॉक बनाने के लिए. कमाल का लोकेशन होगा तो वहाँ चले जाएंगे यहाँ चले जाएंगे. हो सकता है टिकटॉक इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो शूट वाले दिन म्यूजिक वीडियो से ज़्यादा हो सकता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं था. ये लोग काफ़ी प्रोफेशनल थे और बहुत ही अच्छा काम किया. वो तो म्यूज़िक वीडियो में दिख ही रहा है आप देखेंगे तो. मुझे लगता है इनकी कमाल की फ़ैन फॉलोइंग है बॉस. मतलब हैट्स ऑफ टू देम. इतना बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के लाइक्स और इस तरह की फ़ैन फॉलोइंग इनकी पूरी टीम की होना बहुत बड़ी बात है और मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जाए. हाँ हम लोग मतलब लाइक कुछ भी अगर वो रियल लाइफ भी हो और वो शूट का टाइम हो कोई भी हो हम लोग कोई भी स्टेप लेने से पहले एक दो बार तो सोचते हैं कि लाइक
ऑडियंस में क्या वो मैसेज जा रहा है हमारे थ्रू, तो बस यही। और ऐसे ये सोचते हैं दिमाग में कि अगर अच्छा जा रहा है तो जाए, जितना अच्छा जा सके, कोई बुरा मैसेज नहीं चले जाए। क्या पता हम अच्छा भी करने की सोच रहे बट उनके दिमाग में वो गलत वे में नहीं लो, मतलब ले रहे हो, तो इसलिए तो डर लगता है बहुत कुछ करने से पहले। हाँ, टेक्स के लिए कुछ नहीं, मैं लड़की होकर मैं रेडी होकर खड़ी थी, धूप में बैठी हूँ, और ये लोग को असलम भाई बोल रहे कि कहाँ पर हो कहाँ पर हो, और अच्छा? ये लोग थे ही नहीं कोई भी, हम लोग नहीं थे कोई भी। हाँ, जो वो सम थी है, थी है। नहीं थे जो असलम भाई जानते हैं ऐसे रहते थे। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, बोलना ही पड़ेगा। अटक गए व्यूज तो, मैं देख रही थी तब थोड़ा इश्यू चल रहा है, अभी हो गए तो फिर थैंक यू सो मच। नहीं अटक कहाँ गए, नहीं वो थोड़ी देर बाद बताता है। हाँ हाँ, टाइम बाद बताता है थोड़ा। और सिद्धार्थ यहाँ पर है, हो जाए आप सब लोग साथ में अगर गाना गुनगुना। आइए गाना गुनगुना। ओके, आपको थोड़ा आता है ना, थोड़ा आता है भाई, आप ज्वाइन कर लेना सिद्धार्थ। ओके, इश्क है तुमसे हमें ये तुम नहीं जानते, सारी दुनिया जानती है पर तुम नहीं जानते, के जी रहे तेरे लिए के मर न जाए कहीं, के मर न जाए कहीं। तो इसी तरह मुझे लाइक फैज और एंजल्स की जोड़ी लगी मुझे, एंजल्स की जोड़ी, वी कॉल देम लाइक एंजल्स ऑफ टिकटॉक। आल्सो गाना काफी सोलफुल है, या जी आप लोग मतलब ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर आप लोग इस गाने पे टिकटॉक जी टिकटॉक तो देखो बनाएंगे, ऑफ कोर्स हमारे दोस्तों का गाना हमें टिकटॉक बनाना है, प्लानिंग अ YouTube वीडियो एक्चुअली ऑन दैट ट्रैक। मैं चाहता हूं मैं तुम्हें ऐसे करके लिफ्ट करूं, हम पूरा पूरा कांसेप्ट बना देंगे। या एग्जैक्टली, और आपकी टीम को भी काफी पसंद किया जा रहा है। Crazy 4 team, Crazy 4. Hashtag Crazy 4. और कुछ कहना चाहेंगे फैंस को, क्या मैसेज होगा कि इस गाने के लिए स्पेशल? Guys, just love them as always. इस तरीके से आपने 307 को इतना प्यार दिया, उसी तरीके से फैज ब्लोच और शिफू को भी उतना ही प्यार दो उनके ट्रैक पे। Keep loving, keep supporting, I love you all. Share करो, like करो, support करो. Subscribe भी ना. Thank you, thank you. Thank you so much. हो गया? Done, done. आपने देखा कि किस तरह आपको लगा, और आपने obviously अपने भाई के लिए कुछ ना कुछ तो comments और fans से कुछ ना कुछ आ ही रहे होंगे। बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, मैं दो दिन से थोड़ा बिजी था काम में, और मैं थोड़ा सा लेट उठा आज इवनिंग में उठा, मैं जब तक का उठा तब तक का गाना रिलीज हो चुका था, और उस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है, और देखते हैं अभी आगे कैसे रिस्पॉन्स आता है, अभी तक का तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है, और इन लोग दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और
ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह। दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और बहुत प्यार करते दोनों एक दूसरे से, तो इंशाल्लाह बहुत आगे तक। आप लोगों का फ्रेंड्स के ऊपर जो गाना आया था लोगों ने बहुत पसंद किया, तो ऐसा कोई प्लान है इन फ्यूचर अगर कुछ शेयर करना चाहिए? न्यू ईयर से पहले इंशाल्लाह, अभी न्यू ईयर से पहले पहले एक ग्रुप सॉन्ग, मेरा भाई जो अब्दुल रहमान है उसने एक और रैप सॉन्ग लिखा है, तो उसमें आप पूरे टीम 07 को पाओगे। अभी ये थोड़ा सेंसिटिव मैटर था और बहुत डर डर के बनाए थे धर्म, पर इस पर भी माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। और ये पार्टी सॉन्ग है तो पार्टी सॉन्ग में मैं ले सकता हूँ, वो सेंसिटिव टॉपिक नहीं है, क्योंकि कुछ भी करे तो फिर लोग नेगेटिव भी लेते हैं अगर उस सबको एक साथ करूँगा तो ये पार्टी सॉन्ग है तो बहुत मज़ा आने वाला है सबको। आपका जो ग्रुप है 07, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग कौन है? और अगर फैज़ की बात करें तो फैज़ किस तरह का रोल प्ले करते हैं आपके ग्रुप में, अगर कुछ शेयर करना चाहें? फैज़ मेरे ग्रुप में सबसे चुलबुला, सबसे मस्तीखोर लड़का है और सबसे छोटा है, पर दिखता थोड़ा बड़ा है और मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे छोटा दिखता हूँ। और फैज़ की क्या बोले, फैज़ के बारे में क्या बताएं? फैज़ की क्वालिटीज़ ये है कि वो मोस्टली जल्दी सीरियस नहीं होता, वो सीरियस भी कहीं टॉपिक रखा ना तो वहाँ पे भी आके वो मस्ती करता है। मतलब उसकी बातों से, उसको देख के तो कोई बोलेगा नहीं कि वो सबसे छोटा है, मगर उसकी बातों से लोग समझ जाएंगे कि हाँ वो है सबसे छोटा। रियलिटी शो तो नहीं करूँगा, पर आगे और भी बहुत कुछ करने वाला हूँ इंशाल्लाह। ये पार्टी सॉन्ग के बाद एक NGO भी खोल रहा हूँ मैं, उसकी भी चालू है, काम प्रोसेस में है, गरीब बच्चों के लिए और यंग टैलेंट के लिए। जैसे कि बहुत से यंग टैलेंट है जो स्लम्स में, उन लोग को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है और जो लोग डिज़र्व करते हैं वो लोग को नहीं मिलता, तो इंशाल्लाह कुछ ऐसा करूँगा जैसे जो डिज़र्व करते हैं उन लोग को वो मुकाम मिले। बहुत अच्छा लगता है और ये मुझे कहीं ना कहीं मेरे पास की याद दिलाते हैं। जब मेरा बाइकर्स का ग्रुप था, वो टाइम पे लोग ना ट्रॉल करते थे, रैगिंग करते थे, मतलब मस्ती करते थे। मैं कहीं से पास होता था तो वहाँ पे मतलब 07 अभी कैसे बुलाते हो, देख 07 जा रहा है, तो वो टाइम पे उन लोग का बुलाने का तरीका मेरे से ऐसे रहता था, क्योंकि मैं ही जब बाइकर्स का ग्रुप जब स्टार्ट किया था तो जब वो ग्रुप टूटा था तो ऐसे मेरे को छेड़ते थे, वो देख 07 जा रहे हैं, अकेला हो गया था जब मैं। फिर बाद में सोशल मीडिया का ट्रेंड आया, हम लोग करते करते फिर बाद में वही लोग जो लोग साथ में जाके मैं उन लोगों को ज्वाइन करता था जो हट जाते थे, आज वही लोग कॉल करके टाइम मांगते हैं, पर मैं उन लोग की तरह बिहेव नहीं करता हूँ, मैं मिलता हूँ अभी भी उन लोग से, तो बहुत ही खुशी होती है वैसे लोग का भी फेस करने में। जीरो सेवन टीम बाकी लोग का तो अलग है, लोग इग्नोर करते हैं, मैं पहले इग्नोर नहीं करता था, पर अभी इतना सबर आ गया है और मैं खुद जानता हूँ कि बहुत से लोग जो हेटर्स रहते हैं उन लोग खुद कुछ नहीं कर पाते, उन लोग के पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता, मेरे पास तो बहुत कुछ है, इतने सारे लोग हैं चाहने वाले, तो मैं अगर उन लोग को रिस्पॉन्ड करूँगा अभी तो फिर टाइम वेस्ट होएगा, तो इसलिए मैं अभी ना रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया हूँ। नहीं उतना नहीं देखता हूँ, थोड़ी बहुत क्लिप्स जो आती है यूट्यूब पे कभी कभी ऐसे टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत ऐसे देखता हूँ। फेवरेट कंटेस्टेंट है बिग बॉस में, या फिर कोई जो इंटरेस्टिंग लगा हो आपको बिग बॉस में इंटरेस्टिंग? अरे नाम मेरे को याद नहीं है, बाकी वो जो स्मार्ट दिखता है ना, नहीं आसिम मुझे पसंद है। वेलकम, थैंक यू। फैज़ के साथ तो भाई जैसी बॉन्डिंग है और बहुत अच्छा गाना है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह हिट होगा। और शिफा और फैज़ तो बेस्ट कपल आती है टीम 07 में, ऐसे ही वायरल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा उनकी क्वालिटी क्या है अगर एज अ कपल हम लोग बात करें, शिफा और फैज़ क्वालिटी? लोग झगड़ा भी करते, लोग प्यार भी एक दूसरे को बहुत करते हैं। वीडियो में मैं एक चीज़ देखा, वो हाँ। ऐसे तो नॉर्मली बहुत ना समझ है और कहीं पे भी मतलब सीरियस टॉपिक भी चलते रहता था वहाँ पे, वो मस्ती करता है, पर वीडियो में इतना समझदार और इतना मैच्योर लग रहा है वो। हाँ। मैं उसका एक्सप्रेशन कितना अच्छा है, वो आग वाले जो इतना बड़ा दिख रहा है और उसके एक्सप्रेशन मतलब बहुत बड़ा दिख रहा है वो,
और ऐसे लग रहा है कि हाँ समझ और ग्रुप में सबसे छोटा है वो 21 ईयर्स का है और लेकिन बहुत अच्छे एक्टिंग है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है मेरा इंशाल्लाह, लेकिन कुछ होगा तो करेंगे, कुछ होगा तो। हाँ मेरे लायक रहेगा तो मैं जाऊँगा इंशाल्लाह, जरूर जाऊँगा मेरे लायक रहेगा तो, लेकिन मैं इसी ऐसे अंदर लड़ नहीं सकता और वो सब कर नहीं सकता। शिफा सिखा रही रही शिफा सिखा रही रही क्योंकि फैज है ना मस्ती करने लग जाता है, मस्ती ज्यादा करता है, मगर उसको भी है, मस्ती करता है, कोई गाइड करता है तो वो हाँ, काम करता है बराबर, करता भी है करता, और उसको है ना डायलॉग बोलने में ना थोड़ा प्रॉब्लम भी होती थी पहले क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट बोलते हैं, ज्यादा फास्ट बोलते हैं वो, तो थोड़ा उसको प्रॉब्लम हो जाती है लेकिन अच्छा करते हैं। थैंक यू, योर वेलकम, योर वेलकम। बहुत अच्छा लगा गाना मुझे और इंशाल्लाह कल सुबह तक का ट्रेंडिंग भी हो जाएगा। वैसे तो इन दोनों के कपल्स गोल तो बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, आप देखे ही होंगे, और फैन पेजेस भी बहुत ज़्यादा है इन लोगों के, तो और एक्सप्लोर करें फैन पेजेस में इंशाल्लाह और अच्छा ट्रेंडिंग जाएगा। और ऐसा तो है ही है कि यूट्यूब पर हमारा अगर कोई अच्छा बड़ा कंटेंट आता है तो लोग उसे छोटा 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 करके एक्सप्लोर में दिखाते रहते हैं, तो मुझे अभी से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कल तक इंशाल्लाह भर जाएगा। और दोनों की जोड़ी जैसे आपने कहा कि बहुत सारे फैन पेजेस हैं, थोड़ा सा बताएं कि फैज कैसा है और दोनों साथ में किस तरह से लगते हैं आपको? फैज और शिफा तो बहुत अच्छे लगते हैं दोनों, और लोग तो बहुत टाइम से मतलब अच्छा रिलेशन भी चल रहा है उन लोगों का, और अच्छी बात है इंशाल्लाह आगे तक चले। और फैज की एक सीक्रेट रिवील करना चाहूँगा, हमेशा आप लोगों ने उसको डब करते हुए सुना होगा, कभी उसकी आवाज़ नहीं सुनी आप लोगों ने, तो मैं बोलना चाहूँगा कभी उसे गौर करिए, नोटिस करिएगा, बहुत फास्ट बोलता है। और कैसे हो तुम? हाँ सब ठीक है। तो कभी डायलॉग बुलाने की कोशिश की आप लोग? हाँ हाँ, हम लोग का एक कंटेंट था अपना यूट्यूब का नज़र ना लग जाए, तो उसमें हम लोग शूट कर रहे थे, तो एंड में एक था कि छोड़ना यार, तो उसमें मतलब एक ड्रग पे था, एक हम लोग मॉरल स्टोरी के साथ एक कंटेंट बनाए थे यूट्यूब का, तो उसमें एंड में था फैज का डायलॉग, मैं बोल रहा हूँ फैज को छोड़ना यार, तो फैज को उसमें बोलना था कि अगर आज इसे नहीं रुकूंगा ना तो कल को इसकी फैमिली और इसके दोस्त इसे खो देंगे, तो वो चीज़ को वो इतना फास्ट बोल रहा था, अगर आज इसे नहीं रुकूँ ना तो इसकी फैमिली इसके दोस्त, तो फास्ट बोल रहा था, तो उससे वो हो नहीं पाया था, मगर इंशाल्लाह वो अभी मतलब प्रैक्टिस कर रहा है और अच्छा बोलने लगा है अभी पहले से, तो इंशाल्लाह करेगा। इनकी एक एक खूबियाँ मैं बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ है टिकटॉक। ये दोनों है ना रात भर टिकटॉक ढूंढते रहते हैं कपल वाला कि कौन सा सुबह उठ के कौन सा कपल गोल का एक कंटेंट बनाया और लोगों को दिखाए, तो इन लोग का तो रहता ही, ये चलता ही रहता है। और फैज़ का कैसा है कि मतलब ज़्यादा करके ना उसकी आँख तब खुलती है, अभी हम लोग डेली अपडेट करते हैं फ़ोटोज़ वगैरह और इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ वगैरह, तो फैज़ कैसा है कि मतलब एकदम डीम लाइट हो जाएगी, दिन भर सोएगा और जब एकदम डीम लाइट हो जाएगी ना तो फटाफट शिफा को कॉल करेगा, आएगा और एकदम कम लाइट में फ़ोटो खींच के उसको एडिट करा के बोले भाई इसको और लाइट करो ना, और लाइट करो ना। जहाँ तक का मुझे लगता है कि ना फैज़ ने करा ही होगा, क्योंकि फैज़ ने इससे पहले भी एक वीडियो कर चुका है, एक ग्रुप वीडियो, तो जहाँ तक का उसको शूट की मालूम तो है कि क्या है कैसा है, तो उसने मुझे लगता है जहाँ तक का तो शिफा को बताएगा, बाकी हो सकता है शिफा भी बहुत एक्सपीरियंस गर्ल है, वो भी की है शूट। इंशाल्लाह आएगी, मूवी भी आएगी इंशाल्लाह। मैं साइन किया हूँ? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई साइन नहीं किया हूँ। एक सॉन्ग आया था याद पिया की आने लगी, तो उसमें एक मेरा गेस्ट अपीरेंस है छोटा सा, एक स्टेप है डांस का, तो मैं उसके लिए था, तो मुझे बोला गया था गेस्ट अपीरेंस के लिए, तो मैंने किया हो। कोई ना कोई तो हेटर्स बोलो मत, बहुत सारे हेटर्स है टीम 07 के, मगर अच्छा है जहाँ हेटर्स है वहाँ फेम भी है, मगर अच्छा लगता है हमको हेटर्स को भी, हम इतने प्यार से मतलब रखते हैं और सब अच्छे से होता है। रियलिटी शो के बारे में बात करते हैं तो
तो अदनान की बात करूँ तो मैं अदनान थोड़ा बहुत ज़्यादा ही जिगरे वाला है, उसे मैंने तो स्टार्ट में बोला था रियलिटी शो कर रहा है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा तो रियलिटी शो कर रहा है, मगर अच्छी बात है उसने किया और बहुत अच्छा किया, इंशाल्लाह वो जीतने के काबिल था और जीत भी सकता था, मगर पता नहीं वोटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वोटिंग तो बहुत अच्छी से गई थी उस पर, मगर हम लोग अभी तो प्लान किए नहीं है और हम लोग रेडी भी नहीं है इसके लिए रियलिटी शो के लिए, तो इंशाल्लाह कोई करेंगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रियलिटी शो आने भी नहीं वाला था और हमने किसी से साइन भी नहीं किए थे, एक रियलिटी शो आ रहा था बीच में, बाकी बात हुई थी, बाकी हमने कुछ साइन नहीं किए थे, फिर बाद में हमने कैंसिल कर दिए थे कि हम नहीं करेंगे रियलिटी शो, क्योंकि हमारे फैंस लोग को क्या है रेगुलर अपडेट देना पड़ता है, अभी वो कैसा है कि हम क्या पहने हैं दिन भर में, कहाँ घूम रहे हैं, उनके कमेंट्स आते रहते हैं, उनके मतलब रिक्वेस्ट में मैसेज आते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो हमको डेली अपडेट देना पड़ता है, तो हमने जो अभी पहना है तो उसकी फ़ोटो डालना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें अपडेट की वजह से हमने कोई रियलिटी शो के लिए अभी तक आ नहीं किया। यो वेलकम थैंक यू। ऐसे एक विजुअल कर लेते हैं आप।